हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्चुअल ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल का मीनिंग और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। चलो देखो इसके फॉर्मेट। पहले डेट नंबर वन देना, इसको पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट 5, मतलब नंबर वन पे डेट बनेगा, नंबर टू पे हमारा पर्टिकुलर्स बनेगा, नंबर थ्री पे हमारा LF, नंबर फोर पे हमारा डेबिट अमाउंट, नंबर फाइव पे क्रेडिट अमाउंट। डेट में हम डेट डालेंगे, जैसे कौन सी तारीख की एंट्री कर रहे हैं, 1 जून की, 2 जून की, ऐसे डेट डालेंगे। पर्टिकुलर्स में हम एंट्रीज करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन एक्सेट्रा, जैसे बाद में बताऊंगी इसके बारे में। LF में हम लेजर फोलियो, लेजर से किस पेज की एंट्री कर रखी है उसके बारे में। डेबिट में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट। अब हम हल्के से इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रूल पढ़े थे, फिर रिवाइज करवा देती हूँ थोड़े से। प्रोसेस रूल, इसमें होते हैं 5 अकाउंट होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट 5 होते हैं। एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसिस अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो एसेट्स आ गया, एक्सपेंसेस अकाउंट आ गया, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। एसेट्स, एसेट्स अकाउंट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ऐसे एक्सपेंसेस अकाउंट, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। बाकी तीन बचे आपके, बाकी तीन बचे कैपिटल अकाउंट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अगर लायबिलिटी है आपकी डिक्रीज हो रही है डेबिट, इंक्रीज हो रही है क्रेडिट। रेवेन्यू अकाउंट, डिक्रीज हो रहा है डेबिट, इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट। मतलब तीन है, जो दो ऊपर के हैं वो इंक्रीज में डेबिट और डिक्रीज में क्रेडिट, बाकी नीचे के तीन हैं वो उल्टा होता है, डिक्रीज में डेबिट, इंक्रीज में क्रेडिट। क्लियर रूल का मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्लियर? CLEAR, देखो CLEAR। सी का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लाइबिलिटी, ई का मतलब एक्सपेंसेस, ए का मतलब एसेट्स, आर का मतलब रेवेन्यू। मतलब CLEAR ये तीनों क्या है आपके, अगर ये तीनों आपके डिक्रीज होते हैं तो डेबिट और इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और दोनों ये एसेट्स और एक्सपेंसेस है आपके, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, ये लर्न करना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम। दत्ता स्टार्ट बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। दत्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाई 1 लाख की। देखो बिजनेस में क्या आ रहा है आपके, बिजनेस में क्या आ रहा है आपके, कैश आ रहा है, बिजनेस में आपके कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या इंट्रोड्यूस किया उसने, कैपिटल, क्या इंट्रोड्यूस किया उसने, कैपिटल। तो कैश क्या हुआ आपका, कैश क्या हुआ आपका, कैश हुआ आपका एसेट्स, कैश हुआ आपका एसेट्स। एसेट्स क्या हो रहे हैं आपके, एसेट्स क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज, एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एसेट्स आपके इंक्रीज होते तो क्या होता है, डेबिट, इसलिए कैश को हमने डेबिट किया है। दूसरी तरफ क्या है आपका, कैपिटल, कैपिटल क्या हो रही है आपकी, कैपिटल भी आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो क्या बताया था कैपिटल का रूल मैंने, कैपिटल इंक्रीज होते तो क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है। इसकी एंट्री दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं इसकी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक या कैश जो मर्जी लिखो, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसी फॉर्म में लिखते हैं इसको। और अमाउंट कितनी आ रही है, 1 लाख, 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे बींग लिख के, फिर अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस, बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट हुई इतनी, इतना अमाउंट बिजनेस में आया है।
एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल आपकी कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया, कैश को डेबिट किया। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर ₹10,000 पेड इन कैश। राज फर्नीचर से फर्नीचर परचेज किया आपने 10,000 का कैश देकर, राज फर्नीचर से आपने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का कैश देकर, तो क्या आया आपके पास, फर्नीचर आया आपके पास, फर्नीचर आपके पास आ रहा है और जा क्या रहा है आपके पास, कैश, कैश आपका जा रहा है। तो फर्नीचर क्या है आपका, फर्नीचर क्या है आपका, एसेट, फर्नीचर क्या है आपका, एसेट, एसेट क्या हो रहा है आपका, आपके पास आ रहा है ना, आ रहा है तो क्या होएगा, इंक्रीज आ रहा है तो आपका एसेट्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो तो क्या करते हैं हम इसको, डेबिट, फर्नीचर को डेबिट किया। दूसरी तरफ कैश, कैश क्या है आपका, कैश भी आपका एसेट है। ओके, अगर फर्नीचर परचेज करोगे तो आप कैश आपका जा रहा है, जा रहा है तो क्या होता है, डिक्रीज, जा रहा है तो क्या होता है, डिक्रीज, कम हो रहा है कैश आपका, कम होता है, अगर एसेट कम होता है तो क्या करते होते हैं हम इसको, क्रेडिट, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया है। फर्नीचर आपका आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो एसेट है, इसे डेबिट किया। कैश आपका एसेट है, वो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट किया। इसकी एंट्री देखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट करना है यहाँ पे अमाउंट, वही 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में, नरेशन लिख दो, बीइंग लिख के फर्नीचर परचेज कर दो, सिंपल, बीइंग फर्नीचर परचेज अगेंस्ट कैश, फर्नीचर परचेज किया कैश देकर। थर्ड एंट्री देखो, देखो परचेज गुड्स 450,000, परचेज गुड्स 450,000 अगेंस्ट चेक, गुड्स परचेज करी, परचेज गुड्स 450,000 अगेंस्ट चेक, गुड्स परचेज करी आपने 50,000 की चेक देकर, गुड्स आपने परचेज करी 50,000 की चेक देकर, क्या है आपके पास, गुड्स आई ना आपकी, तो गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज, गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, देखो परचेज, सिर्फ गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, बाकी एसेट्स के लिए हम उसका नाम लिखते हैं, फर्नीचर बिल्डिंग एक्सेट्रा, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या दिया आपने उसको, चेक, बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट। अब देखो परचेज क्या है आपका, एक्सपेंस, परचेज आपका एक्सपेंस है, परचेज आपका एक्सपेंस है, मतलब खर्चा है आपका, एक्सपेंस क्या हो रहे हैं आपके, एक्सपेंस क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज, बढ़ रहे हैं आपके खर्चे, कोई चीज़ परचेज करोगे आपके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो आपने क्या किया उसको, डेबिट। मैंने रूल बताया था एसेट्स और एक्सपेंसेस, अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। दूसरी तरफ बैंक देखो, बैंक क्या है आपका, बैंक क्या है आपका, बैंक है आपका एसेट, बैंक क्या हो रहा है आपका, पैसा आपका क्या हो रहा है, जा रहा है ना आपका पैसा, कम हो रहा है आपका, डिक्रीज, क्या हो रहा है कैश बैंक आपका, डिक्रीज, डिक्रीज हो तो क्या करते हैं हम उसको, एसेट, अगर डिक्रीज हो तो क्या करते हैं उसको हम, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है, अमाउंट सेम 50,000, 50,000 जो अमाउंट डेबिट में वही अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। बीइंग द गुड्स परचेज एंड इशू चेक, गुड परचेज करी और हमने उसको चेक दे दिया, चेक के लिए हम बैंक वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो, अब सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, देखो सोल्ड गुड्स 450,000 अगेंस्ट चेक, गुड्स बेच दिए आपने, कितने की बेची आपने,
25,000 की गुड्स आपने 25,000 की बेची, क्या रहा आपके पास? क्या रहा आपके पास? बैंक चेक के थ्रू पेमेंट हुई है ना, तो बैंक आ रहा है आपके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और गुड्स बेचने को हम सिर्फ सेल वर्ड यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? सेल वर्ड, खरीदने के लिए परचेज वर्ड और बेचने के लिए सेल वर्ड। बैंक क्या है आपका? एसेट। बैंक क्या है आपका? एसेट। एसेट क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज, बढ़ रहा है ना, ये रूल बताया था। एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। एसेट इंक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं उसको? डेबिट। दूसरी तरफ सेल क्या है आपका? रेवेन्यू। रेवेन्यू होगी, रेवेन्यू अगर आपकी अप इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू आपकी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? इंक्रीज होती है तो रेवेन्यू आपकी, अगर माल बेचोगे तो आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी ना, रेवेन्यू बढ़ेगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज हो रही है आपकी रेवेन्यू तो क्रेडिट करते हैं। हमने बताया था रेवेन्यू अगर डिक्रीज होती है तो, डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो उसकी एंट्री देखो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक क्या है आपका? एसेट। सेल क्या है आपकी? रेवेन्यू। बैंक भी आपका इंक्रीज हो रहा है, सेल भी आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है आपकी। नरेशन लिख देंगे, बीइंग द गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, गुड्स बेची और हमको चेक रिसीव हुआ। नेक्स्ट एंट्री देखो आप, नेक्स्ट एंट्री देखो आप, पेड सैलरी 50,000 की फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, सैलरी पे करी आपने 50,000 की दिसंबर मंथ के लिए 2018 की, टू स्टाफ बाय चेक। सैलरी दी हमने किसको? स्टाफ को। कितनी दी? 50,000 की। कौन से मंथ के लिए? दिसंबर मंथ के लिए। देखो सैलरी दी हमने, सैलरी दी स्टाफ को हमने, तो क्या एंट्री आएगी? सैलरी, सैलरी देखो, सैलरी बोलते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या दिया आपने? बैंक। तो सैलरी क्या है आपका? एक्सपेंस। सैलरी आपका क्या है? एक्सपेंस, खर्चा। सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या हो रहे हैं आपके? बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं। देखो एसेट इंक्रीज हो या एक्सपेंस इंक्रीज हो, दोनों चीज़ क्या होती है? डेबिट। और बैंक क्या है आपका? बैंक क्या है आपका? एसेट। एसेट क्या हो रहा है आपका? पैसा क्या है? जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, अगर एसेट डिक्रीज हो तो क्या करते हैं हम उसको? क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं उसको हमने। अब देखो इसकी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट वही डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 50,000, लिखेंगे बीइंग द सैलरी पेड टू स्टाफ। नेक्स्ट एंट्री देखो अब आप, रिसीव्ड, रिसीव्ड कैश 10,000 फ्रॉम अमित, अमित से कैश आया, और किससे आया? अमित से कैश आया। हु इज अमित? अमित इज डेटर। डेटर कौन होते हैं? डेटर कौन होते हैं? जिससे हमने पैसा लेना होता है। अमित से कैश आया, देखो कैश अकाउंट डेबिट किससे आया? अमित से। तो कैश क्या है आपका? कैश क्या है आपका? एसेट। एसेट क्या हो रहे हैं आपके? इंक्रीज। एसेट क्या हो रहे हैं आपके? इंक्रीज। अगर एसेट इंक्रीज होते तो क्या करते हैं? डेबिट। अमित क्या है आपका? डेटर। डेटर क्या होता है आपका? एसेट्स। डेटर क्या आपका? एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या हो रहे हैं आपके? कम हो रहे हैं ना एसेट्स, जो कोई पेमेंट कर देगा तो आपको
कम हो गए ना एसेट्स आपके, एसेट्स आपके डिक्रीज़ हो गए हैं। एसेट डिक्रीज़ हो तो क्या करते हैं, बताया था रूल मैंने, एसेट डिक्रीज़ हो तो क्या करते हैं हम क्रेडिट, एसेट डिक्रीज़ हो तो क्या करते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, अमाउंट आएगी सेम 10,000, डेबिट में 10,000 क्रेडिट में लिखेंगे बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमित, अमित से अमाउंट रिसीव हुई। नेक्स्ट एंट्री देखो पेड टू सुजीत, सुजीत को हमने पेमेंट करी, कितनी करी 5,000 की, हु इज सुजीत, सुजीत इज क्रेडिटर, सुजीत आपका क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं ना हम, तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश, सुजीत क्या है आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है आपकी लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है, प्ले क्रेडिटर क्या आपकी क्रेडिटर, सुजीत क्या आपके क्रेडिटर क्या आपकी लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है डिक्रीज, कम हो रही है, पेमेंट कर देंगे हम क्रेडिटर को तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या बताया था इसका रूल, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है क्या करते हैं उसको हम डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है क्या करते हैं डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसको हम डेबिट। दूसरी तरफ क्या है आपका कैश क्या है आपका एसेट क्या हो रहा है आपका डिक्रीज, एसेट भी आपका डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, एसेट भी डिक्रीज हो रहा है आपका, डिक्रीज हो तो क्या करते हैं एसेट डिक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्या रूल बताया था एसेट का, डिक्रीज तो क्या करते हैं उसको क्रेडिट, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया, सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश देखो सुजीत क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, उधर कैश भी हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट, सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 डेबिट में 5,000 क्रेडिट में, नरेशन लिख देंगी बीइंग द अमाउंट पेड टू सुजीत क्रेडिटर, अमाउंट पे करी हमने सुजीत क्रेडिटर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट है इसमें जनरल एंट्री करनी है, नितिन इन्वेस्ट ₹50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट बिजनेस, नितिन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 का कैश दे के 5 लाख का चेक टू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैश आया और चेक आया तो एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट बैंक भी आ रहा है ना आपके पास, चेक भी दिया उसने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश क्या है आपका, कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है, दोनों चीज़ एसेट है, ये कैश और बैंक एसेट है, ठीक है, और कैश और बैंक दोनों ऐसे दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, कैश भी और बैंक भी इंक्रीज हो रहे हैं आपके, इंक्रीज होते क्या होते हैं ऐसे, इंक्रीज होते क्या होता है डेबिट करते हैं ना, इसलिए कैश को भी हमने डेबिट किया और बैंक को भी डेबिट किया, उधर से कैपिटल क्या है आपकी, कैपिटल है तो कैपिटल क्या हो रही है आपकी इंक्रीज, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज में कैपिटल क्या करते होते हैं, क्या रूल बताया था कैपिटल का, कैपिटल का इंक्रीज क्या करते हैं उसको हम, उसको करते हैं हम क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो इन्होंने अलग अलग एंट्री करके मैंने एक ही कर दी थी, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 से
फिर दूसरी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख से। इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। इसको निर्देशन लिख देंगे बीइंग द कैपिटल इन्वेस्ट, इसमें बीइंग द कैपिटल इन्वेस्ट सेम एंट्री। सेकंड देखो, सेकंड इसमें ही डिपॉजिट, उसने इसने जमा करवाया ही डिपॉजिट 5000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक, उसने 5000 रुपये का कैश बैंक में जमा करवाया, 5000 का कैश उसने बैंक में जमा करवाया, 5000 का कैश बैंक में जमा करवाया, कैश आप बैंक आपके पास बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जमा करवाया कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक क्या है आपका एसेट्स, बैंक क्या है आपका एसेट्स, एसेट्स क्या हो रहा है आपका इंक्रीज, एसेट्स क्या हो रहा है आपका इंक्रीज, इंक्रीज होता क्या करते हैं उसको हम, इंक्रीज होता क्या करते हैं उसको डेबिट, इंक्रीज होता डेबिट करते हैं। और कैश क्या आपका, कैश क्या आपका एसेट्स, कैश क्या हो रहा है आपका डिक्रीज, डिक्रीज होता क्या करते हैं उसको हम क्रेडिट, डिक्रीज में क्रेडिट करते हैं। तो उसकी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 5000 की। नरेशन बीइंग द कैश डिपॉजिट इन बैंक, मतलब बैंक में हमने पैसा जमा करवाया। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड है परचेज गुड्स फॉर 5000 अगेंस्ट कैश, 5000 की गुड्स खरीदी हमने कैश देकर, 5000 की हमने गुड्स खरीदी कैश देकर। तो क्या है आपके पास गुड्स आई ना, परचेज, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज क्या है आपका, परचेज है आपका एक्सपेंस, परचेज क्या है आपका एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं आपके बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं एक्सपेंस, अगर आपके बढ़ते हैं तो क्या करते हैं उसको हम डेबिट। दूसरी तरफ कैश क्या है आपका, कैश क्या है आपका एसेट, कैश क्या हो रहा है आपका डिक्रीज, डिक्रीज हो तो क्या करते हैं उसको हम क्रेडिट, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 से। फोर्थ एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री परचेज ए बिल्डिंग एंड पेड बाय 250,000 बाय चेक, बिल्डिंग परचेज करी, क्या आ रहा है हमारे पास बिल्डिंग आ रही है और बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग क्या है आपका एसेट्स, एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजों में क्या किया उसको डेबिट। दूसरी तरफ बैंक, बैंक क्या है आपका एसेट्स, एसेट्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट वही जाएगी 2,50,000, 2,50,000। फिफ्थ एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी फॉर 1 लाख, गुड परचेज करी हमने हरी एंड कंपनी से 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब हमने इसको उधार परचेज किया है, कैश लिखते तो हम कैश लिखते हैं, उधार परचेज किया है। तो ऐसी एंट्री करेंगे इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। परचेज क्या हुआ हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा हो रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। हरी एंड कंपनी क्या हुआ आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं,
क्रेडिटर आपके इंक्रीज होते हो क्या करते हैं, क्रेडिट। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी, सिक्स एंट्री देखो आप, गुड्स हमने कितने की बेची, 50,000 की। कैसे बेची, कैश, कैश आया ना हमारे पास, गुड्स हमने बेची 50,000 की, तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश क्या है आपका, एसेट्स, एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको डेबिट किया। सेल क्या है आपकी, रेवेन्यू, रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया 50,000। नेक्स्ट एंट्री बोलो, देखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रमेश एंड कंपनी रुपीज़ 25,000। देखो ये क्रेडिट लिखा ना, क्रेडिट उसमें कैश था, इसमें लिखा है क्रेडिट, तो हमने गुड्स बेची किसको, रमेश एंड कंपनी को उधार बेची 25,000 की, इसमें कैश नहीं आएगा आपके पास, इसमें आपके पास कैश नहीं आएगा, आपने रमेश एंड कंपनी को गुड्स बेची उधार, देखो नाम आ जाएगा उसका, कैश नहीं आएगा, नाम आएगा रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रमेश एंड कंपनी क्या है आपके, डेटर्स, रमेश एंड कंपनी क्या है आपके, डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं आपके, एसेट्स, एसेट्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे तो क्या किया उसको हमने, डेबिट। दूसरी सेल क्या है आपकी, सेल आपकी है रेवेन्यू, रेवेन्यू भी आपकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो तो क्या करते हैं उसको, क्रेडिट। देखो इसलिए एंट्री बन गई रमेश एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट 25,000 से, नरेशन लिख देंगे बीइंग द गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री देखो, 8 नंबर की एंट्री, मिस्टर रमेश एंड कंपनी, मिस्टर रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स फॉर 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। रमेश एंड कंपनी ये ऊपर वाली है, पहले वाली थी, देखो रमेश एंड कंपनी ये वाली है सेम, इसने क्या किया पैसा गुड्स वापस कर दिया आपको, बिग गुड्स हमारी ख़राब थी हमको नहीं चाहिए, 5,000 की उन्होंने गुड्स वापस कर दी। देखो क्या एंट्री करेंगे इसकी, देखो पहले एंट्री थी आपकी रमेश एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ये एंट्री थी ना आपकी, ये एंट्री थी आपकी रमेश एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट, इसने गुड्स वापस कर दी है, इसने क्या किया गुड्स वापस कर दी है, तो रमेश एंड कंपनी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, उल्टा एंट्री कर देंगे इसकी, रमेश एंड कंपनी को हमने कर दिया क्रेडिट टू मिस्टर रमेश एंड कंपनी, तो क्या किया उसने, सेल रिटर्न, गुड्स वापस आ गई आपकी, बेची हुई गुड्स आपके पास वापस आ गई है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी। रमेश एंड कंपनी कौन थे आपके, डेटर्स, डेटर्स आपके क्या हो गए, एसेट्स, एसेट्स आपके डिक्रीज हो गए हैं, डिक्रीज हो गए इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री देखो, रिटर्न टू हरी एंड कंपनी एज कॉस्ट प्राइस 4,000। हरी एंड कंपनी कौन है, हमने हरी एंड कंपनी को गुड्स वापस कर दी, ध्यान दो यहाँ पे देखो ऊपर, हरी एंड कंपनी, ये देखो हरी एंड कंपनी से हमने माल परचेज किया था, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं हरी एंड कंपनी को गुड्स वापस कर दी है, कितने की, 4,000 की। देखो हरी एंड कंपनी को गुड्स वापस कर दी है, देखो पहले यहाँ देखो हरी एंड कंपनी को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, इसको हरी एंड कंपनी को हमने क्रेडिट किया था, परचेज को डेबिट किया था, इसका उल्टा हो जाएगा हरी एंड कंपनी टू परचेज रिटर्न, हरी एंड कंपनी टू परचेज रिटर्न। हरी एंड कंपनी क्या है हमारी, हरी एंड कंपनी हमारे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर आपके कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो आपकी ये डेबिट कर दिया, इसको लाइबिलिटी आपकी कम होगी तो इसको डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखो आप, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, ये भी 15 लास्ट क्वेश्चन में भी करवाया था मैंने, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, सैलरी पे करी स्टाफ को चेक के थ्रू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बताया था मैंने अभी पीछे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंस, एक्सपेंस आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो इसको डेबिट कर दिया, और बैंक क्या है आपका, एसेट्स, एसेट्स आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो, इसको हमने क्रेडिट कर दिया 15,000। इसकी नेक्स्ट एंट्री हम कल करेंगे, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।